हेलो फ्रेंड, वेलकम आई चाहे मोहित फैंटेसी में आपका स्वागत करता हूँ। फ्रेंड, कल का मैच इंग्लैंड वुमेन और थाईलैंड वुमेन, और एक और बात, दोनों टीम लास्ट के मैच हारती हुई आई। इंग्लैंड भी हारती हुई आई और थाईलैंड भी हारती हुई आई, वो भी वेस्ट इंडीज से। तो कल इंटरेस्टिंग मैच है दोनों टीमों के बीच में, और इसमें आपको ग्रैंड लीग स्मॉल लीग की टीम देने वाला हूँ, जो कि अपने टेलीग्राम पे दूंगा आप लोगों को। और आपको मैं बताऊँ, मेरा टेलीग्राम चैनल है और इसमें 11 wickets पर भी मैं आपको टीम देता हूँ। दिखा देता हूँ आप लोगों को, जो भी मेरे नए यूजर्स हैं तो आप लोग देख लीजिए, मैंने कल विड्रॉल किया था, तो विड्रॉल देख तो हमारा जो 11 wickets का विड्रॉल है ड्रीम 11 में, और ये हमारी कल की टीम थी थोड़ा, और विनिंग भी इतनी खास नहीं हुई थी। और इससे पहले आप लोग विनिंग देख सकते हो, हमारी हर मैच में विनिंग होती है, हर मैच में। ग्रैंड लीग के बारे में बताया था आप लोगों को मैंने, चाहे हेल्थ के बारे में बताया था, इनको कैप्टन रख सकते थे अपनी टीम में। तो टेलीग्राम का चैनल का नाम है मोहित फैंटेसी क्रिकेट नाम से, और काफ़ी लोगों का मैंने लॉस कवर कराया, तो काफ़ी लोग मुझे कमेंट भी करते हैं, देख सकते हो आप लोग, और मैं कोई फेक नहीं है, आप लोग यूट्यूब पे जाके देख सकते हो हमारे कमेंट। देखिए, काफ़ी लोग मुझे कमेंट करते हैं हमारी वीडियो, और उन भाइयों के लिए मैं थैंक्स बोलना चाहता हूँ यूट्यूब पर। तो ज़्यादातर लोगों के नाम देख लीजिए, ज़्यादा मेरे मेंबर्स हैं, और मैं हर टीम देता हूँ हर मैच की, जिस मैच में मुझे लगता है विन कर सकते हैं उसी मैच की टीम देता हूँ, और फालतू की टीम नहीं देता हूँ आप लोगों को, सिर्फ आपकी विनिंग कराता हूँ। सबसे पहले आपको बताऊं, ये मैच खेला जाएगा कल का, जो मैच स्टेडियम में सुबह होगा। और आपको बताऊं, थाईलैंड मूवमेंट की टीम की जो हारती हुई है वेस्ट इंडीज की टीम से, 78 रन बनाए थे, और इंग्लैंड की मूवमेंट की टीम भी हारती हुई है साउथ अफ्रीका से, और इंग्लैंड की टीम ऑल आउट 8 wickets हो गए थे, और बहुत ही बुरी तरीके से हारी थी इंग्लैंड की टीम भी और थाईलैंड की टीम। तो सबसे पहले आपको बता दूँ, इंग्लैंड की टीम में एमी जॉनसन जो विकेट कीपर में बढ़िया ऑप्शन रहेंगी, जो ओपनिंग करती हैं अपनी टीम के साथ, और डैनी वाल्टर के साथ, जो लास्ट मैच में 1 wicket पे आउट हो गए थे, इनका रिकॉर्ड लेकिन अच्छा है, 55-66 की पारी खेली है, और अभी लास्ट मैच में ये आउट होंगे, तो बढ़िया ऑप्शन लेने के लिए कैप्टन के लिए भी। और केन नाइट, इनका रिकॉर्ड देखिए, हर मैच में विकेट निकालते हैं, लेकिन लास्ट मैच में विकेट भी निकाले थे और पारी भी निकली थी, 6 रन पे आउट हो गई थी। इनका वैसे पुराना रिकॉर्ड देखिए, 61 की पारी खेली 1 wicket, 78 की पारी खेली 1 wicket, और 67 की पारी खेली 1 wicket, लास्ट के अभी तक के ये 5 लास्ट के रिकॉर्ड हैं, और इससे पहले 44 की पारी खेली। तो अभी तक के आपको मैं बता दूँ, इनका 176 रन बनाया अभी तक के 4 T20 में, और इनका एवरेज अच्छा है खेलने का। और नेटाला, इनका जो अपनी टीम के लिए बढ़िया बैटिंग करते हैं, लास्ट मैच में अभी तक के 5 मैचों में इन्होंने 5 विकेट निकाले, और लास्ट मैच में इन्होंने अच्छी पारी खेली थी 50 रन की, तो बढ़िया ऑप्शन रहेगा, लास्ट मैच में इन्होंने 50 रन की पारी खेली थी, ज़्यादातर लोग इन्हें कैप्टन वाइस कैप्टन बनाने वाले हैं। टेम वनथम, इनका रिकॉर्ड देखिए, लास्ट मैच में 11 रन की पारी खेली, और इससे पहले इन्होंने 112, 44 और 54 की पारी खेली, और 37 और 30 की, तो बढ़िया ऑप्शन है, आप लोग इनको भी ले सकते हो आप लोग। और बॉलिंग में आपको बताऊँ, सोफी इलीस, इनका रिकॉर्ड अच्छा है, लेकिन इन्होंने कल भी विकेट निकाले थे 2 विकेट, इससे पहले 3 विकेट 2 विकेट 2 विकेट, हर मैच में विकेट निकाल दिए, बॉलिंग के लिए सबसे सेफ ऑप्शन रहेगा आप लोग इंग्लैंड की टीम से। और थाईलैंड की टीम से आपको मैं बता देता हूँ, जो कि नटका चंदन ने जो ओपनिंग करते दिखाई दी आप लोग, इनका रिकॉर्ड देखिए, 151 का रिकॉर्ड है, और नत्यन के साथ ओपनिंग करेंगी, और इनका दोनों का रिकॉर्ड दिखा देता हूँ। सबसे पहले लास्ट मैच में इन्होंने 9 रन की पारी खेली, और इनका विकेट देखिए, लास्ट मैच में 2 रन की पारी की, 1 भी विकेट नहीं लिया, और लेकिन पुराना रिकॉर्ड इनका आप लोग, कोई रिकॉर्ड पुराना नहीं दिखा था, लेकिन मैं रिकॉर्ड दिखा रहा हूँ, अभी तक के 4 इनिंग में 151 रन बनाए इन्होंने, और ओपनिंग करती हैं, और 82 और 60 का इनका हाईएस्ट स्कोर है। तो कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए सबसे बड़े चॉइस रहेगा आप लोगों के लिए, स्मॉल लीगों के लिए, लेकिन इनका रिकॉर्ड अच्छा है, और थाईलैंड की टीम पे कम रिकॉर्ड दिखाते हैं, मैं टीम में रिकॉर्ड दिखाता हूँ। और बॉलिंग में आप लोग देखिए, बॉलिंग में बढ़िया ऑप्शन इनका, और बॉलिंग में अच्छा करती हैं अपनी टीम के लिए, देखिए 0 इससे पहले 2 विकेट और 1 रन, 25 रन, 2 विकेट 3 रन, 2 विकेट, हर मैच में बॉलिंग में अच्छा ऑप्शन है आप लोगों को लेने के लिए, बॉलिंग में अच्छा हेल्प मिलेगी आप लोगों को। देखिए चनीदा, ये भी एक अच्छी प्लेयर हैं, और इनका रिकॉर्ड देखिए, बॉलिंग में इनका रिकॉर्ड है 1 विकेट लिया, इससे पहले लास्ट मैच में 3 रन लिए थे, 1 भी विकेट नहीं लिया था, और इससे पहले 24 नॉट आउट 0 विकेट, तो इतने खास नहीं है, तो मैं इनको ड्रॉप करूँगा। और बॉलिंग में आप लोग टिप्सू को ले सकते हो, इनका रिकॉर्ड अच्छा है, और बॉलिंग में आप लोगों के लिए टिप्स इनका ऑप्शन बढ़िया है, लेकिन लास्ट मैच में इन्हें 1 भी विकेट नहीं निकाला, इससे पहले इन्होंने 1-1 विकेट हर मैच में निकालती आई, और अभी लास्ट 2 मैचों में इन्होंने 1 भी विकेट नहीं निकाला। तो बॉलिंग में आप लोग सोच समझ के लीजिएगा, और आपके लिए एक और ऑप्शन है,
देखिए रतन पांडा ने इनका रिकॉर्ड देखिए, लास्ट मैच में नॉट आउट थी 15 और इससे पहले 3 विकेट लिए थे इन्होंने और मैचों में और 1 विकेट और हर मैच में विकेट निकाले। तो बढ़िया ऑप्शन को लेने के अभी तक के 5 विकेट लिए हैं 4 इनिंग में T20 पिक। और एक ऑप्शन और है बॉलिंग में, इनका भी बॉलिंग में इतना खास नहीं है और लास्ट मैच में भी जिन्होंने 1 विकेट नहीं लिया था और कोई ऑप्शन नहीं है। आपको मैं बता दूँ कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए और ग्रैंड लीग के बारे में बताना चाहता हूँ आप के नाइट, इनका रिकॉर्ड अच्छा है, सेफ कैप्टन रख सकते हो आप लोग इनके और विकेट भी निकाला लास्ट मैच में 1 विकेट भी निकाला था और हर मैच में बैटिंग में अच्छी है और कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए बढ़िया चॉइस रहेगा। तो आप अपनी टीम में कैप्टन भी रख सकते हो और वाइस कैप्टन भी रख सकते हो, बढ़िया ऑप्शन है इंग्लैंड की टीम से। और आपको मैं बताना चाहता हूँ और सेकेंड ऑप्शन है वाल्टन, इनका भी रिकॉर्ड अच्छा है 22 कैप्टन के लिए। तो आपको मैं बता देता हूँ ग्रैंड लीग के लिए आपको सबसे पहले फ्रैन विलियम्स है, इनका रिकॉर्ड देखिए 25% लोगों ने इनको लिया ले रखा है और इनका स्कोर अच्छा है, गुड कैप्टन है ग्रैंड लीग के लिए। तो ग्रैंड लीग के लिए ऑप्शन आपके लिए एक ही बताऊंगा जो थाईलैंड टीम से है, इनका रिकॉर्ड अच्छा है और अपनी टीम के लिए अगर टीम आउट होती है लो ओवर में बैटिंग करने आते हैं और अच्छी परफॉर्म करते हैं और इन्हें कम से कम 25% लोगों ने लिया होगा। तो कल के मैच में कैप्टन के लिए बड़े ऑप्शन रहेगा सिर्फ ग्रैंड लीग की टीम में, अगर ये चल जाती है तो आप लोग को आसानी से ग्रैंड लीग विन करा लेंगे। तो जी हमारी प्लेइंग 11 रहेगी, प्लेइंग 11 हिसाब से बना सकते हो और दोनों टीमों की और मैं पूरा डाटा अपने वीडियो में डाल देता हूँ। और जी हमारे किप प्लेयर रहेंगे, किप प्लेयर आप जो रखना है और आपको मैं टीम दिखा देता हूँ। सबसे पहले मैं इंग्लैंड की टीम दिखाना चाहता हूँ 11 विकेट पर और टीम दिखाने से पहले बताऊँ जो एक 11 विकेट में अपडेट आया है जिसमें क्रिकेट कॉन्टेस्ट बना सकते हो आप, यहाँ खुद का कॉन्टेस्ट बना सकते हो, यहाँ कॉन्टेस्ट में नाम लिखना है आपको और कुछ नहीं करना है और कॉन्टेस्ट में कितने मेंबर वाला 25 मेंबर वाला और रुपये रखना है वो भी कॉन्टेस्ट होता है आपको बस 23 रुपये पे करना हो, जो भी विनिंग अमाउंट होती है आप लोग खुद डिसाइड कर सकते हो अपने हिसाब से और वो कॉन्टेस्ट का कोड आप ही लोग यहाँ डिसाइड कर सकते हो और इसमें फ्री में भी लीग ज्वाइन कर सकते हो। जी हम अरे टीम है और आपको ड्रीम 11 पर भी दिखाने वाला हूँ और इसमें मैंने 12 प्लेयर में ले रखा है और इनका रिकॉर्ड अच्छा है और मैंने एक बॉलर को 3 बॉलरों के साथ जा रहा हूँ और 3 ऑलराउंडर के साथ जा रहा हूँ, इनका रिकॉर्ड अच्छा है इनके हिसाब से ले और इनको मैंने कैप्टन बनाया, इनको केनाइट को 22 कैप्टन बनाया। तो आप लोग इनको कैप्टन 22 कैप्टन भी बना सकते हो और आपको टीम बेस्ट मिलेगी। और ड्रीम 11 की भी टीम दिखा देता हूँ जिन्हें 11 विकेट पर, अगर एप्लीकेशन अच्छी लगती तो आप लोग इसकी नीचे वीडियो में लिंक दिए वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो, काफ़ी अच्छा बोनस मिल रहा है। और देखिए ये हमारी ड्रीम 11 टीम है, जे सैम है टीम हमारी और इनको मैंने 22 कैप्टन में रखा है और इनको कैप्टन रखा है। तो आप लोग सेकंड ऑप्शन आप लोगों के पास है डैनी वाल्डर को भी आप लोग कैप्टन 22 कैप्टन रख सकते हैं, इनका भी रिकॉर्ड अच्छा है और ये जो 4 प्लेयर हैं बेस्ट रहेंगे आप लोगों के लिए 1 2 3 4। तो आप लोग इंग्लैंड की टीम में कैप्टन 22 कैप्टन रख सकते हो और थाईलैंड की टीम से मैंने आपको ग्रैंड लीग के लिए बताया और कोई डिसाइड नहीं है, सिर्फ आप लोग ग्रैंड लीग के लिए बना सकते हो। मैंने यहाँ थाईलैंड का इनका प्लेयर लिया लास्ट मैच में, इन्होंने 1 विकेट भी निकाला था, बढ़िया ऑप्शन है बॉलिंग में और अच्छा करते हैं और ये हमारे बैट्समैन लिए जो बेस्ट बैट्समैन है जो बैटिंग में अच्छा करेंगे और ऑलराउंडर में ये विकेट भी निकालते हैं। तो इनका रिकॉर्ड मैं बॉलिंग में अच्छा है तो बॉलिंग के लिए लिया और क्रिस गेल को लिया, इनका भी रिकॉर्ड अच्छा है बॉलिंग में तो बेस्ट बॉलरों के साथ जाते हैं हम लोग और हर बार विनिंग करते हैं। तो जो भी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो जरूर लाइक करना और कमेंट करना आप लोग।